जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का तरफ से किसान भाइयों को कितना पैसा मिलता है इसका ऊपर काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा किसान कंफ्यूज है, क्योंकि मेरा एक सब्सक्राइबर है जिनने मुझे आज सुबह मुझे कॉल किया था। कॉल करके उनने बताया है कि उनका जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का तरफ से अब तक पैसा नहीं मिला है। और दोस्तों, आज की ये वीडियो में हम बात करने वाला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का तरफ से कितना पैसा मिलता है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का तरफ से काफ़ी सारा किसान को जानकारी नहीं है और काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा किसान अब तक आवेदन नहीं किया है। जितना किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर है उनमें से सिर्फ 10% किसान ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन किया है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो में दो इंपॉर्टेंट जानकारी सभी किसान भाइयों को हम बताने वाले हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू किया था, यानी कि लॉन्च कब किया था, उसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से किसान भाइयों को कितना पैसा मिलता है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू किया था। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 में लॉन्च किया था, यानी कि दोस्तों 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया था। जिन किसान ने 2016 में आवेदन किया है उन सभी किसानों को पैसा मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है क्लेम स्टेटस का ऊपर। जिस किसान ने आवेदन किया है सभी किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है, अप्रूव होने के बाद भी अकाउंट पर नहीं आ रहा है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जो क्लेम स्टेटस है, क्लेम स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं उसका ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, उसी वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पर दे दूंगा। जिन किसान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन किया था उन सभी किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हम जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितना पैसा मिलता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से आपको कितना पैसा मिलेगा इसका जानकारी जानने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर आके आपको इसमें जो इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट उसी पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें आपको सीजन सबसे पहले इसमें सेलेक्ट करना होगा सीजन। दोस्तों, सीजन में इसमें रबी और खरीफ, दोस्तों आप दोनों में से कोई एक सीजन को आप इसमें सेलेक्ट करना होगा जिस सीजन में आपने खेती किया था। उसके बाद इसमें देखिए इसमें ईयर, दोस्तों ईयर आपको क्या करना होगा, 2022-23 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 21-22 दोस्तों 2022-23 सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर आपने अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन नहीं किया है तो। दोस्तों, 22-23 सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपको स्कीम सेलेक्ट करना होगा, स्कीम इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो दिखाई दे रहा है ये सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद इसमें स्टेट, दोस्तों आपका जो भी स्टेट है इसमें सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, जो भी जिला आपका है जिला को सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद इसमें क्रॉप सेलेक्ट करना होगा, क्रॉप में आने के बाद देखिए आपके पास कौन सी खेती है। अगर आप आलू का खेती करते हैं दोस्तों पोटेटो, आपका जो भी खेती है वो इसमें सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों, उसके बाद इसमें फाइनली आपका जमीन कितना है इसमें डालना होगा, इसमें बताया दे रहा है कि एरिया इन हेक्टर। अगर बहुत सारे किसानों का हेक्टर और एरिया नहीं पता है, बीघा पता है मेरे पास 60 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन है, लेकिन मुझे हेक्टर नहीं पता, इसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र में जाके सिंपली आपको चार्ज करना होगा आपके पास जितना बीघा ज़मीन है। सपोज मेरे पास 15 बीघा ज़मीन है, दोस्तों 15 बीघा ज़मीन पर कितने हेक्टर ज़मीन होता है देखिए 1.214। आपको क्या करना होगा, बीघा से आप कन्वर्ट करना होगा आपका हेक्टर में। दोस्तों, जितना हेक्टर आपके पास ज़मीन होगा पॉइंट आपको कैलकुलेट करके डालना होगा, उसके बाद कैलकुलेट पर क्लिक करना होगा। कैलकुलेट पर क्लिक करने के बाद आपको कितने पैसे जमा करना होगा और कितने पैसे आपको मिलेगा इसका जानकारी मिलेगा। तो किसान भाइयों को कितने पैसा जमा करना होगा इसमें आ जाएगा प्रीमियम पेड बाय फार्मर, उसके बाद प्रीमियम पेड बाय गवर्नमेंट, सरकार आपके हिसाब से कितना पैसा जमा होगा इसका जानकारी मिलेगा। लेकिन इसमें जो इंश्योरेंस पेमेंट आएगा देखिए 84,373 रुपीज़ किसान भाइयों को मिलने वाला है। दोस्तों, आपको ज़्यादा पैसा पेमेंट देने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2% देने से 98% आपको फ्री मिलता है। इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आप जल्दी आवेदन कीजिएगा, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अगर आपको आवेदन करना है आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसे आवेदन करना होता है, मैंने वीडियो अपडेट दे दूंगा। चैनल पर पहले बार तो सब्सक्राइब करो, अगर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का तरफ से और कुछ भी जानना है मुझे मैसेज करो, हम उसका ऊपर वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।